नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। मोहाली के रहने वाले गगन के साथ आईटी पार्क के क्षेत्र किशनगढ़ के अंदर कैमरे की चोरी होगी। आपने सुना होगा कि रोजाना पैसों को लेकर, कैश नकदी को लेकर या सोना चांदी को लेकर चोरी होती है, लेकिन यहाँ पर जो वेडिंग कैमरे जो बड़े बड़े शादियों के अंदर यूज़ किए जाते हैं उसको लेकर यहाँ पे गगन के कैमरे चोरी किए गए। बता दें आपको, गगन को यहाँ पे वेडिंग प्लानिंग के लिए बुलाया गया था, वेडिंग उसके लिए बुलाया गया था यहाँ पर आईटी किशनगढ़ के एक निजी होटल के अंदर, जिसके बाद उसको खाना खुना खिलाने के लिए लेके गए और जिसके बाद दो युवक जो थे वो गायब हो गए कैमरे लेकर। जब इस पूरे मामले को लेकर गगन ने पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस ने आईपीसी 380 के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की गिरफ्त में कब तक ये चोर आते हैं। रोल है, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गगनदीप सिंह संधू है। गगनदीप जी, क्या करते हैं आप? मैं फोटोग्राफर हूँ जी। देर रात आपके साथ आपके जो आप कैमरा मैन हैं और आपके कैमरे चोरी हुए हैं, तो क्या कुछ मामला था, कैसे क्या उनके साथ, थोड़ा सा बताएंगे? जी, मैं फोटोग्राफर हाँ, तो मैनू इधरों उधरों फोन आते रहेंगे कि साडा शूट करना जी। तो इन्हों का मेरे नाल कॉन्टैक्ट होया सी एक ग्रुप के जरिए, तो उस तो बाद मैं इन्हों कॉन्टैक्ट किया। इन्होंने आदि कंपनी का नाम स्काई इवेंट्स दसिया मैनू, एंड उस तो बाद इन्होंने ये कहा कि साडा एक प्रॉपर कह लो तुसी कि ग्रुप है जो शिमला भी शूट कर रहा है, चंडीगढ़ भी शूट कर रहा है, ये मैगजीन का शूट है। तो मैं जो इन्हों को मैगजीन का नाम पूछा, वो कहते ये स्काई इवेंट्स वाले ने ही अगे ये फोटो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये जी वारदात मेरी ये वारदात हुई है जी आईटी पार्क दे कोल, कल नू हुई है। ये 9 बजे के करीब मेरे 9-10 के करीब मेरे कैमरे मेरे कमरे चो चक्के गए ने। होटल सी सर कैमरॉन होटल है, इतने द ग्रैंड चंडीगढ़ के कोल ही है, तो उतों मेरे कैमरे चके गए हैं। सर पहलिया तो एक बंदा जो मेन बंदा सी जो मैनू मिलया, मैनू सिर्फ एक बंदा मिलया, पर एक्चुअल च वो दो बंदे सी, तो मैनू दूजे बंदे का पता नहीं सी, मैनू एक बंदे का ही पता सी। तो उन्हें मैनू कहा कि आ जाओ आप रोटी खान जाइए, मैं क्या मैनू इन्नी भुख नहीं है, तो कहते फिर भी मैनू भुख लग रही है, मैं ट्रैवल करके आया, मैं अंबाले तो आया, तो आप चलीए। तो उस तो बाद फिर मैं वो मैनू लै गया जी नाल रोटी खाण, तो मैं आपका जिहड़ा कैमरे वाला कमरा वो चंगी तरह लॉक करके गया जी। तो जो असी इधर गए ढिलों जिहड़ा प्लाजा हैगा उनके कोल कुछ कंटेनर्स ने, उतों असी थोड़ी जी रोटी खाधी। इन बिटवीन उन्हें कहा कि मैनू पेशाब आया, तो मैं जाना, तो मैं क्या ठीक है कोई चक्कर नहीं। मिनट होया उस तो बाद मैनू थोड़ी चिंता होने लग गई, मैं रोटी नू साइड ते करके मैं उन्हें लभन लग गया, तो उस तो बाद मैनू होर ज़्यादा शक होया। फिर मैं आपके मोटरसाइकिल ते वापस इत्थे आया होटल कैमरॉन, तो मैनू फील होया कि ये बंदे जेनुअन नहीं लग रहे मैनू, तो मैं रिसेप्शनिस्ट को पूछा कि इन्हां दी आईडीज़ वगैरह की है, तो फिर जो आईडीज़ वेखियां वो फेक सी,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੂਮ ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਗੈਬ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਈ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰਮ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸੋਨੀ M4 ਸੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 30+ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਬੜੀ ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੀਵੀ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਨਾ ਨਾ ਭੁਲੇ।